ってなんだよ、かわいいって。हेलो एनिमे फैंस, आज हम आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन के बारे में बात करेंगे। डोगा कोबो की द लेटेस्ट रोमांटिक कॉमेडी सीरीज जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ओशी नोको के बाद यह शो उनका अगला बड़ा हिट क्यों हो सकता है। एक बेहद खूबसूरत रशियन जैपनीज लड़की और ओटाकू गेमर लड़के के बीच बनता हुआ रोमांस शायद एक फेलियर की तरह लगे, लेकिन इसका पावरफुल नैरेटिव उन्हें अच्छी तरह से एक साथ रखता है। रोमांस की ये रेसिपी एक गलत फहमी से और मज़ेदार हो जाती है, जो स्टोरी का बेस बन जाती है। शो का आइडिया एक क्लासिक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला ट्रोप है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। आलिया रशियन में अपनी असली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, यह सोचकर कि मसचिका उसे नहीं समझ सकता। इसका प्लॉट ट्विस्ट ये है कि वह वास्तव में वह सब समझ सकता है। यह लैंग्वेज बैरियर या शायद इसकी कमी इसमें कुछ कॉमेडी और हार्टवार्मिंग मोमेंट्स को सेट करता है। अब आइए हमारे लीड कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जो काफी अमेजिंग है। दूसरों के सामने आलिया भले ही अपने एटीट्यूड में रहती हो, लेकिन मसचिका के आसपास हम उसका एक अलग ही रूप देखते हैं। जिस तरह से वे आपस में बातचीत करते हैं, यानी आलिया के स्वीट प्रैंक से लेकर उसकी जेलसी तक, वास्तव में उनका बढ़ता हुआ रोमांस साफ नजर आता है। डोगा कोबो ने इसके एनिमेशन में वाकई बेहतरीन काम किया है। कैरेक्टर्स के डिजाइन्स बहुत खूबसूरत हैं और बैकग्राउंड्स डिटेल्ड और वाइब्रेंट हैं। प्रोडक्शन स्टूडियो ने एपिसोड की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोर्स मटेरियल से एलिमेंट्स को सही से जोड़ा और हटाया है। एपिसोड के अंत में सॉक्स वाला सीन वास्तव में डोगा कोबो की प्रोडक्शन स्किल को दिखाता है। इसके अलावा अलिसा मिखाइलोवना कुजो यानी आलिया के रूप में सुमीर उएसाका की परफॉर्मेंस भी तारीफ के लायक है। फैंस को ये बता दूं कि उएसाका ने रशियन लैंग्वेज में भी महारत हासिल की है, इसलिए वह आलिया के रोल के लिए एकदम परफेक्ट हैं। आपको क्या लगता है, आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन डोगा कोबो की अगली बड़ी हिट है या नहीं? इस पहले एपिसोड को देखकर मैं कहूंगी कि यह एक रियल शॉट है। यह यूनिक आइडिया, लवेबल कैरेक्टर्स और बेहतरीन प्रोडक्शन वैल्यूज को मिलाकर कुछ खास बनाते हैं। अगर आप ट्विस्ट के साथ रोमांटिक कॉमेडी के फैन हैं या अगर आपको सुंदर एनिमेशन पसंद है, तो इस शो को जरूर देखें। आज के रिव्यू में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको पहला एपिसोड कैसा लगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।